अंदर निकल पाते कि नहीं, मेरे पास ज्यादा है नहीं वो टोकन्स। तो हेलो गाइस, आप आ चुके हैं त्रिविक्रम गेमिंग चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइस आपको दिखाने वाले हैं अज्जू भाई ने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या बात किया था और क्या क्या उन्होंने बताया था। और फर्स्ट वीडियो जो उनका था, उन्होंने जो है सिर्फ साउंड डालकर किया था, उसे गाना डालकर, और सेकेंड वीडियो भी गाना डालकर किया था, और थर्ड वीडियो जो है अज्जू भाई ने बात करके किया था, वो भी आधा गाइस आधा बात करके किया था। और अभी सुनो गाइस, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू के बेल आइकन को भी दबा देना कि मेरा हर वीडियो आपके पास आता रहे। और भाई अपना भाई का चैनल सोच के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सुनो गाइस, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फ्री फायर का नया इन्वेंशन ज़ॉम्बी मोड, जो कि कल रात 5 बजे आया था। तो मैंने ज़ॉम्बी मोड खेला, सुबह भी खेला था, रात को भी खेला था। तो भाई देखो, ज़ॉम्बी मोड में कुछ नया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप ज़ॉम्बी को मार के उसे अंदर से गन ले सकते हो। पहले जब आया था डेथ मैच आया था ज़ॉम्बी मोड में, कि आपको बंदों को मारना है, रियल बंदों को, आप ज़ॉम्बी को मार के सिर्फ उसके अंदर से थोड़ी बहुत तो डेथ रेस में ले सकते थे जो आपको मिलते थे लॉन्चर की गोली ये सब। बट इसके अंदर नहीं, इस ज़ॉम्बी मोड में काफी नया है कि आपको हर एक चीज उसके ज़ॉम्बी को मार के मिलेगी। अगर आप ज़ॉम्बी को मारते हो तो उसके अंदर से आपको गन मिल सकती है, M4A1 हो या फिर स्कार हो, कोई भी गन मिल सकती है, मेडिकेट हो गई, पोल्ट्रीप हो गए, मजल्स हो गए, सभी चीजें आपको ज़ॉम्बी को मार के लेना पड़ेगा। और आप इधर से घर में घुस के सब चीजें नहीं ले सकते। अगर आपको घर में मिलेगी तो चीजें बहुत कम मिलेगी, जैसे मेडिकेट मिल जाएगी आपको बहुत कम, हाई लो लेवल की सभी चीजें उस आपको घर से मिलेगी। बट आपको अगर हाई लेवल की सभी चीजें चाहिए तो आपको ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा, आपको ज़ॉम्बी को मार के ही सभी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी। और आपको अगर ज़ॉम्बी मोड विन करना है, अगर आप ज़ॉम्बी मोड खेलने आए और विन करना है, तो इसके लिए आपको मैं 2 या 3 टिप्स देता हूँ कि आप जाओ ना, उतरते एक स्पीड मैच खेलो और उतरने के साथ ही आप लोग स्पीड में सभी के सभी को ले लो रिसाइकल में, और रिसाइकल में गिरा दो, और रिसाइकल में से जब तक वो बंदे दूसरे बंदे लूट मारे तब तक आप अपने रिसाइकल में से लूट लेके उसको मार दो। और इस ज़ॉम्बी मोड में सबसे ज्यादा अभी तक हम लोग 4x स्कोप यूज कर रहे थे, 2x स्कोप यूज कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा 4x और 2x यूज कर रहे थे। बट इस ज़ॉम्बी मोड में, ये नाइट मोड है, इसलिए इसके अंदर थर्मल स्कोप आपको, आप मानो या ना मानो, काफी हेल्प देने वाला है। थर्मल स्कोप से आपको ज़ॉम्बी और जो सामने एनिमी है उसमें क्लियरली आपको दिखने लगेगा कि फर्क दोनों में क्या है, तो आप आसानी से फिर आप उस एनिमी को मार सकते हो। और मुझे उसी के साथ ऐसा लगता था कि ये ज़ॉम्बी मोड का न्यू इन्वेंशन है, इसमें मेरे ख्याल से डब्बे नहीं गिरते होंगे, डब्बे मीन्स एयर ड्रॉप नहीं गिरते होंगे, बट एयर ड्रॉप की भी सभी चीजें। और इसके अंदर स्टार्टिंग में कल रात को जब मैंने खेला था तो मुझे एक भी कैंडी नहीं मिली थी, कैंडी का कोई मेरे को पता नहीं था। बट जब मैंने आज सुबह खेला तो मैंने देखा कि इसमें कैंडी भी मिल रही है, तो आपको कैंडी कैसे कलेक्ट करनी है, जो स्नो वाले होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो स्नो वाले उसको मार के उसके अंदर से कैंडी कलेक्ट करनी होती है, उसके अंदर से आपको लॉलीपॉप भी मिल सकता है, फिर कैंडी केन भी मिल सकती, तो उसी तरीके से हो सकता है। बट भाई देखो, इतना अच्छा नाइट मोड है, बट एक चीज मुझे लगी कि यार इसमें ऐड करनी चाहिए थी, आप जैसे स्नो ग्रो को मार के कैंडी केन लॉलीपॉप ले, तो उसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट लोग खेलते हैं जो डायमंड नहीं खरीद पाते, तो उसके लिए आप इसके अंदर डायमंड डाल सकते हैं। तो आप 1 जनवरी तक ये मोड दे रहे हो तो तब तक उन बंदे को यार खरीद नहीं सकते, उनको डायमंड मिल सकते हैं ना, तो इस तरीके से आप अगर डायमंड डाल देते हो तो थोड़ी बहुत डायमंड वो लोग कलेक्ट करके अपनी जगह से थोड़ी बहुत डायमंड यूज कर सकते हैं, थोड़ी चीजें परचेज कर सकते हैं, कोई किसी को 100 डायमंड मिलते हैं तो वो कोई मार्क्स वार्क्स खरीद सकता है, तो आपको डायमंड देने चाहिए थे। बट ये बहुत ही अच्छा है, इसे हम बात करने जाए तो भाई देखो यार, फ्री फायर वाले यार कस्टम रूम भी नहीं दे रहे, तो जो भी है सही है भाई, अभी सही चल रहा है। और मेरे को ना ये तो बहुत अच्छा मोड लगा है, अभी मैं आपको एक गेम प्ले दिखा रहा हूँ, आप गेम प्ले देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तुम्हारे भाई का चैनल चलेगा। अगर आपको गेम प्ले देखना है तो पूरा गेम प्ले देख के जाना। ओके तो गाइज आपने देख लिया अज्जू भाई ने अपने पहले वीडियो में क्या बात किया था। तो गाइज अज्जू भाई ने बता दिया अपना भाई का चैनल नहीं चलेगा,
अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हो तो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो और बाजू के बेल आइकन को भी दबा देना गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना।